कौन क्या कर रहा है वो मत देखो, जैसे तुम खुद से खुद को कम्पीट करो कि जैसे लास्ट डे जितना पढ़े थे या लास्ट बार जितना परफॉर्म किए थे अगले बार उससे ज़्यादा अच्छा करने का कोशिश करो। खुद से खुद को कम्पीट करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, दूसरे का ज़्यादा मत देखो, यानी खुद में इम्प्रूव करोगे तब तो ही कुछ होगा। जब तक मेडिकल कॉलेज में, जब तक IITs और जब तक MBBS नहीं मिल जाए, जिस दिन तक, उस दिन तक जम के तैयारी करनी है, उसमें कोई कोताही नहीं करनी है। तो जब तक मंजिल को नहीं पाना है तब तक छोड़ना नहीं है। थ्री ऑफ माई बैचमेट, वन ऑफ माई रूममेट एंड फ्रेंड वेंट टू द USA इन देयर वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। सो इस तरीके का आप मोटिवेशन रखोगे तो यू कैन गो एनीवेयर, ठीक है, यू कैन गो अब्रॉड, यू कैन गो इन द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन इंडिया। तो इस तरीके का मोटिवेशन होना चाहिए आप लोगों को कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जो करना है फर्स्ट अटेम्प्ट में करो। बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को कि आप लोग आए और अच्छे से आप लोगों ने जल्दी जल्दी इंतज़ाम किया। तो इस मौके पे जो था एक्चुअली कि एक ऐसा गेट टुगेदर होना चाहिए जिसमें हम लोग सारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करें, साथ में जो अपने टीचर्स हैं उनसे इंटरेक्ट करें, और जो हमारे एक्स स्टूडेंट हैं, आज हमारे बीच है क्षितिज कुमार, इन्होंने MBBS कंप्लीट किया है IGIMS पटना से, और हमारे रिस्पेक्टेड टीचर्स भी हैं यहाँ पे, तो उनसे भी हम आपको इंटरेक्ट कराएंगे। छोटा सा ड्यूरेशन, ज़्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लेंगे। मकसद ये है कि आपका जो एम है, जिस एम के लिए यहाँ आए हैं, उसको हम लोग कैसे पूरा करें। तो आपके ड्रीम के पीछे बहुत सारे लोगों का ड्रीम है, माँ बाप का ड्रीम है, पेरेंट्स का ड्रीम है, हमारा ड्रीम है, आपका खुद का ड्रीम है, तो उसको आप रियलिटी में कैसे बदलेंगे वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे, साथ में देखेंगे कि आपके जैसे, जैसे आप बैठे हुए हैं यहाँ पे, वैसे कभी ना कभी हमारे एक स्टूडेंट जो हैं वो भी बैठे हुआ करते थे, और उन्होंने भी मेहनत की, उन्होंने भी बहुत सारे चैलेंजेस को पार किया, और उसके बाद जा कर के आज इस मुकाम पे हासिल हैं। साथ में क्षितिज बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट रहे हैं, IGMS पटना से हमारे, और इन्होंने अपनी MBBS कंप्लीट की और PG भी क्वालिफाई किया है। तो ऑल इंडिया PG में इनको सर्जरी और ऑर्थोपेडिक्स मिल रहा है, ऑर्थोपेडिक सर्जन और हड्डी के डॉक्टर और सर्जरी, बट इनका ड्रीम कुछ और है कि हमको जनरल मेडिसिन लेना है। तो ये और मेहनत करके जनरल मेडिसिन लेने की कोशिश करेंगे। तो पढ़ाई का कभी भी ख़त्म नहीं होता है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे आपके कॉम्पिटिशन लेवल बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा सिंसियर रहेंगे आगे आपकी सिंसियरिटी और बढ़ती चली जाएगी। तो हम क्षितिज जी को ही पहले बुलाना चाहेंगे कि वो आपके साथ शेयर करेंगे एक्सपीरियंस को अपने। आइए क्षितिज जी, थैंक यू वेरी मच, क्लैप करके इनका स्वागत किया जाए। गुड इवनिंग एवरीवन, सर ने तो मेरा नाम बता दिया, आई एम डॉक्टर क्षितिज, एंड रिसेंटली आई कंप्लीटेड माय MBBS फ्रॉम IGMS मेडिकल कॉलेज एंड विथ अ गोल्ड मेडल इन जनरल मेडिसिन एंड पीडियाट्रिक्स। सो बेसिकली आई प्रिपेयर्ड ऑलमोस्ट हाफ अ डिकेड बैक, सो आई कांट से मच अबाउट द करेंट प्रिपरेशन स्ट्रेटजीज बिकॉज पैटर्न हैज़ बीन चेंज नाउ, मोर नंबर ऑफ मार्क्स इज नीडेड फॉर द एडमिशन, सो they will be dealt by the next students who are coming. But my opinion is that prepare very hard so that you can clear the exam in very first attempt. Theek hai, I cleared my exam in first attempt, UG entrance. I cleared my PG entrance in first attempt, and my target is to complete my SS entrance. You don't know, you have to complete the UG entrance, then you have to go to the college, then you have to complete the PG entrance. So my advice for you guys who are in standard 11th or who are going in standard 12, complete your exam in first attempt. I think the next exam is on 7th May. So those who are in standard 12th and giving the exam, or those who are in the target batch, many wishes to them. Just in the last few days, don't try to learn new things. Don't try to learn new things, just give as many as mock tests possible, wherever possible. In here the coaching materials are provided, coaching test series are there. Anywhere you find test series, just give that test series and analyze after every exam. And try to improve at least one question in every exam.
because one question will give you 5 marks, 4 marks, right? So if you improve one question in every exam, so if you give like 10 to 20 exams within this 21 day period, you can increase your marks by 80 to 100, right? So try to give exams within 2 hour, 2.5 hour, because I think 3 hour exam is there. You have to fill the OMR for the last half an hour. So try to give that in 2 to 2.5 hour, right? Because 3 hours mein aap exam doge, to fir you will do more mistake while filling the OMR. So that will be very dangerous for your result. Just focus hard and do your best, all the best for the exams. किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो पूछ सकते हो, और टाइम है अभी, प्लानिंग करो, फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने की कोशिश करो जो भी एग्जाम आप दो। छोटी सिस्टर जैसे जस्ट 1 साल छोटी, शी आल्सो क्लियर्ड बीडीएस एट बीएचयू से बीडीएस कर रही है इंटर्नशिप में। मिथिलेश जी है, मिथिलेश कुमार, पीएमसीएच में 2019 में एमबीबीएस क्वालिफाई किया। मिथिलेश कुमार ही इज नाउ इन पीएमसीएच और पीएमसीएस थर्ड ईयर में है। और इनकी एक अच्छी बात बता दें कि जब ये एग्ज़ाम दिया था इन्होंने नीट का, और रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट में ये बाउंड्री पे थे, और लोग बाउंड्री पे रहता है तो काउंसलिंग का जब तक इंतज़ार, काउंसलिंग ख़त्म नहीं हो जाए तब तक लोग कहीं एडमिशन लेता नहीं है या तैयारी फिर से शुरू नहीं करता है। लेकिन इनके जज्बा जो देखा जाए तो बहुत ही यूनिक था कि नीट का एग्ज़ाम हुआ, इनका रिज़ल्ट आया, इनका मार्क्स बाउंड्री पे था, और ये तुरंत में बैच ज्वाइन कर लिए कि हमको नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन करना है। तो ये हौसला था, और उसी साल जब काउंसलिंग दोबारा हुआ तो इनको पीएमसीएच मिल गया। तो ये एक अच्छी बात है कि आपके अंदर भी वो डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, डोंट वेट। जब तक मेडिकल कॉलेज में, जब तक IITs और जब तक MBBS नहीं मिल जाए, जिस दिन तक, उस दिन तक जम के तैयारी करनी है, उसमें कोई कोताही नहीं करनी है। तो जब तक मंजिल को नहीं पाना है तब तक छोड़ना नहीं है। तो वो जज्बा आपके अंदर भी होनी चाहिए, वो हमारे बीच में भी हैं, तो वो अपनी बात शेयर करेंगे कि किस परिस्थिति में, किस सिचुएशन में वो इस मुकाम को हासिल किए, और काफ़ी सिंसियर रहे हैं ये अपने पढ़ाई में, उसकी भी चर्चा आपको करेंगे। तो मैं बुलाता हूँ मिथिलेश कुमार जी को, एंड क्लैप किया जाए इनके लिए एक, है ना। लो, देखो भाई, कंपटीशन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है टाइम। टाइम टाइम का बहुत खास करके ख्याल रखना होता है। और एक जो कंपटीशन है नीट, वो कुछ मतलब कि ज़्यादा हार्ड कंपटीशन भी नहीं है। इसमें दिक्कत क्या होता है, सब कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन रखता है। कंटिन्यूटी मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि मतलब कि 2 दिन पढ़ें, 4 दिन आराम किए, फिर 1 दिन पढ़ें। अगर कोई 5 घंटा 6 घंटा, जितना भी सबका अपना अपना कैपेसिटी होता है, अपने कैपेसिटी के अनुसार मिनिमम 5 घंटा 6 घंटा अगर कंटिन्यूटी के साथ पढ़ते रहोगे तो सिलेक्शन लेना हार्ड काम नहीं है। और बात है जो डेडिकेशन की, तो सर जैसे ही बताए ही हैं, डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है इस क्षेत्र में। और ये तो नीट का कंपटीशन है, इसमें तो नीट UG है ये, तो अगर तुम कॉलेज जाओगे तो पता चलेगा इससे कई और ज़्यादा गुना डेडिकेशन कॉलेज में ज़रूरत पड़ता है। तो ये जो डेडिकेशन का बात है, अभी से ही हैबिट में रखना ज़रूरी है। और बाकी पढ़ाई के स्ट्रेटजी के बारे में बात करें तो सर लोग बताते ही हैं, हम लोग भी अगर यहाँ तक पहुँचे हैं तो सर लोग के गाइडेंस के अनुसार ही चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सर का गाइडेंस बहुत, मतलब सर जो बोलते हैं उनके अनुसार अपने पढ़ाई पे फोकस करते रहिए, और आप लोग सब सक्सेस होइएगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग? बस यही जोश चाहिए आप लोग को। और जैसा आप लोग का, और प्रिपरेशन कैसा चल रहा आप लोग का? एग्ज़ाम देना है इस बार? अच्छा, बस ज़्यादा नहीं, बस अपना कंटिन्यूटी बनाए रखो,
और जैसा जो भी अपना आप लोग को टीचर जो भी बताएं बस उसको फॉलो करते जाओ, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। और बस और ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, सबसे बड़ा बात कि इतना स्टूडेंट फॉर्म भर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उतना वो सब दिमाग से निकाल देना। तुमको बस एक सीट चाहिए, ठीक है, एक कॉलेज का एक सीट चाहिए, बस उस पर फोकस रखना है। और जब जब मन करे तब पढ़ाई करो, हमेशा नहीं कि मतलब आज ये हो गया तो टेंशन कभी मत पढ़ो। जब भी मूड करे कि हाँ आज पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ना है, और पूरा अच्छे मतलब जब भी कोई काम करो ना तो फुल डेडिकेशन के साथ करना है। ये नहीं कि अभी पढ़ रहे हैं और बाहर सोच रहे हैं कि आज जाएंगे घूमने के लिए, ये करेंगे वो करेंगे, वैसा नहीं है। अगर घूमने जाना है तो घूम लो पहले, और पढ़ना है तो पढ़ो पहले, अच्छे से पढ़ना है, बस यही। बाकी सर यहाँ पे आप लोग को बहुत अच्छे से गाइड कर रहे हैं, और हम लोग को भी बहुत अच्छे से सर गाइड किए हैं। बस आप लोग वैसे ही ऑल द बेस्ट आप लोग के लिए, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच हर्ष जी। और अब हम बुलाना चाहेंगे नितिन जी को, जो कि PMCH में फोर्थ ईयर में है, तो इनका स्वागत किया जाए तालियों से। और गौर से सुने, इनसे टिप्स लें कैसे तैयारी करते हैं। तीनों सब्जेक्ट डेली पढ़ो, और तीनों सब्जेक्ट का क्वेश्चंस ज़्यादा बनाओ, और रिवीजन अच्छे से करो, रिवीजन मेंटेन करो सब चीज़, और लास्ट टाइम में थोड़ा अच्छे से पढ़ना, क्या कि शुरू में तो सब लोग अच्छे से पढ़ता है, लास्ट में रिवीजन सब लोग मेंटेन नहीं कर पाता तो फिर दिक्कत हो जाता है। और किसी को कुछ पूछना? जब जैसे कि जब 12th में चले जाना ना, तो 11th पूरा मत छोड़ देना, 11th बीच बीच में रिवाइज करते रहना तो ज़्यादा सही रहेगा। जैसे कुछ वीकली या मंथली टाइप, इस टाइप से कुछ रिवीजन प्लान कर सकते हो तुम लोग का मन, जिस हिसाब से कंफर्टेबल हो। और मैक्सिमम टाइम स्टडी को दो। लोगों को लगता है मेडिकल बड़ा आसानी से निकल जाएगा। नहीं, आसानी से तो नहीं निकलेगा। रिवीजन जितना अच्छा से मेंटेन करके रखोगे उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि पढ़ता तो सब लोग है लेकिन याद सब चीज़ तो सबको नहीं रहता है। जिसका रिवीजन जितना अच्छे से कर पाता है, जो क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, निगेटिव जिसका कम होता है, उन लोग का ज़्यादा सही होता है। और पूछो, कोई गर्ल्स में कोई पूछ रहा है कुछ? देखो बायो में है ना, जितना बार जैसे कोई भी चीज़ जितना ज़्यादा बार तुम रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा वो उस चीज़ तुमको अच्छे से याद रहेगा। बायो का क्या है कि बार बार रिवाइज करते रहो, बार बार पढ़ते रहो, और जो NCERT बेस्ड क्वेश्चन बुक का जो भी बुक वगैरह आता है उसका क्वेश्चन वगैरह बनाओ, क्योंकि क्वेश्चन वगैरह बनाओगे तो तुमको पता रहेगा कि कहाँ पे तुम फंस रहे हो, तो वो सेक्शन को ज़्यादा अच्छा से कर सकते हो, और निगेटिव भी कम होगा फिर। थैंक यू वेरी मच नितिन जी। हमारे साथ जो है हमारे गार्जियन और हमारे जो ऑनर हैं इस बिल्डिंग के, वो हमारे पास प्रेजेंट हैं, तो उनकी भी ब्लेसिंग्स की ज़रूरत है हम सब लोगों को। और हम चाहेंगे कि अंकल आ करके आप लोगों को भी मोटिवेट करें। पटना हाई कोर्ट के बहुत जाने माने एडवोकेट हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बच्चे हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ रहेंगे। हमने व्हाट एवर एक्चुअली आई हैव फाउंड इन माय लाइफ, और हमारे आपसे सीनियर बैच के हैं, हमारे एक लड़का है, हमने उसको देखा फ्रॉम दी क्लास ऑफ स्टैंडर्ड 8। इस जैसे जैसे इसने हमको सजेशन दिया हमने उसको प्रोवाइड किया, एंड आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ माय सन कि हमें ऐसा नहीं लगा कि शायद ये गलत सजेशन दे रहा। लेकिन कहने का मेरा मतलब ये है कि कोचिंग इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, कोचिंग अच्छी इंस्टीट्यूशंस इम्पोर्टेंट है, अच्छे गाइडेंस की ज़रूरत है। आपका मेन चीज़ है आपका अपना मेहनत। हो सकता है इस बच्चे को मैं
फील कर रहा था, ये बोल रहा था हम लैग बिहाइंड कर रहे हैं, ये लैग बिहाइंड, ये 11th का शायद कोर्स कुछ बचा हुआ है, ये क्या हुआ। दो तरीका उसका है, उसके एग्जर्ट तो करना पड़ेगा बेटा, ऐसी बात नहीं, एग्जर्ट तो करना पड़ेगा। या तो यही समय है, यही टेन्योर है, तो आपको इफ़ यू हैव गॉट कैपेसिटी टू मेक स्टडी ऑफ 8 आवर्स, तो 8 घंटे में से 1 घंटा आप निकालो उसको क्लियर करने का। एक शेड्यूल बनाओ कि हम 1 घंटा वो 11 जो बैग बचा हुआ है उसको हम क्लियर करें, मेथोडिकली 3 महीने में, 3.5 महीने में, 4 महीने में अभी कंप्लीट करेंगे। दूसरा जो सर ने बताया कि आप कुछ दशहरे की छुट्टी होती है, ये छुट्टी होती है, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है ना, छुट्टी है चलो भाई 20 दिन, तो आपको उस ढंग से दशहरे नहीं बिताने हैं, उस ढंग से ईद नहीं बिताना है, इस ढंग से कहने वाले दो तरीका ये है। हमारे ख्याल से हम इन माय ओपिनियन कि वो 1 घंटे जो अगर आप, यह नहीं कि एकदम 1 घंटे भाई छूट गया, 1 घंटा नहीं, 1 घंटा अगर छूट गया छूट गया, लेकिन वो नियमित रूप से 1 घंटे जो आपको छूटा हुआ है उसको कंप्लीट करना हो, और इसके साथ साथ जो ये चल रहा है उसको भी लेके चलना होगा अगर कुछ करना है। मेहनत के अलावा कोई उपाय नहीं है बेटा, सिर्फ मेहनत। और सर ऐसे अच्छे अगर गाइडर्स हैं, गाइड करने वाले हैं, तो हाउ टू प्रिपेयर ये सिर्फ यही कोचिंग सिखाता है, समझे कि नहीं। कुछ प्रॉब्लम्स अगर हो गए तो उसको, उस प्रॉब्लम्स को आप अकेले मैंने उसको सॉल्व करने की चाहिएगा तो हो सकता है 5-6 घंटे लग जाएं, 5-6 दिन लग जाएं, वो टीचर गाइड रहेंगे तो आप समझ पाइएगा, कुछ हेल्प ले पाइएगा। अल्टीमेटली तो सॉल्व करना आप ही को है, आप ईमानदारी पूर्वक अपने पेरेंट्स को छोड़ के यहाँ आए हैं जिस पर्पस के लिए, सिर्फ इतना ही दिमाग में रखिए कि हमारी जो क्षमता है उतना मैं प्रयास अपनी क्षमता के अनुसार कर रहा हूँ या नहीं, यथोचित आपको परिणाम मिलेंगे। ठीक, इन्हीं सारी दुआएं का। और अब हम बुलाना चाहेंगे CJS के सर को। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सब लोग तो मोटिवेशनल बहुत कुछ बोल ही चुके हैं, अब मेरा तो डेली मोटिवेशनल होता ही रहता है। क्या आज भी हो जाए? सबसे मोटिवेशनल तो एक ही चीज़ है, फिल्म देखा है तुम लोग या नाम तो सुना होगा, ABCD। क्या होता है फुल फॉर्म? Anybody can dance, तो बस यही बोलेगा ही। हाँ थोड़ा सा ये थोड़ा सा सुधार किया है, मतलब तुम लोग जिस स्टेज में हो उसमें anybody can dance नहीं, anybody can do। और तुम लोगों को तो ये चीज़ बताए हैं कि तुम लोगों से बढ़ के कोई कुछ नहीं कर सकता है, कितना भी टीचर पढ़ा ले, ये हर क्लास में मैं बोलता हूँ कि कितना भी टीचर कुछ पढ़ा ले, लेकिन जब तक तुम नहीं चाहोगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे ABCD 4 वर्ड का जो है मीनिंग, वो एनीबडी कैन डांस ये नहीं याद रखना है, एनीबडी कैन डू। इसमें भी कहता है कि जैसे पहला है ए फॉर अटेंटिव, अटेंटिव बनिए, सचेत रहिए, फालतू फालतू जितना भी चीज़ तुम्हारे अगल बगल है उससे। बी है तो ब्रिलियंस होना चाहिए, क्या सी है तो चिल होना चाहिए, चिल, कितना भी कोई प्रॉब्लम आ जाए एकदम कूल माइंड रहना है। और सबसे बड़ा चीज़ है डी फॉर डिवोशन, है कि नहीं। और जैसा कि सब लोग कहते हैं, अब मैं तो बार बार कहता हूँ, हर क्लास में कहता हूँ, क्या फिर दूसरी फिल्म RRR, रिवीजन। रिवीजन इज द मूल मंत्र ऑफ सक्सेस, बस इसी को एक बनाना है, उसी पर बस फोकस रखना है और कुछ नहीं, दैट्स ऑल, थैंक यू। आई होप ये वीडियो आप सभी को काफ़ी हेल्पफुल लगा हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मैं इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जल्दी नया वीडियो के साथ, आप सभी के बीच में तब तक के लिए बाय, जय हिंद।